मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी इनवॉइसिंग से रिलेटेड अब इंसेंटिव जो है वो गवर्नमेंट देने जा रही है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आएगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं जीएसटीएन के पोर्टल में एक नया प्रोजेक्ट जो है वो उसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। इसमें बोला गया है मेरा बिल मेरा अधिकार इज कंसेप्चुअलाइज्ड एज अ स्कीम विच इंसेंटिवाइजेस सिटीजन्स एंड कंज्यूमर्स टू आस्क फॉर द जेन्युइन इनवॉइसेस फ्रॉम द सेलर व्हेन मेकिंग बिजनेस टू कंज्यूमर परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर अंडर द परव्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब क्या, अभी तक जो आप एज अ टैक्स पेयर इनवॉइसिंग करते थे बी टू बी एंड बी टू सी, तो बी टू बी में तो आप लोगों को इश्यू नहीं आता क्योंकि वहां सामने वाला टैक्स पेयर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है तो आप बिलिंग करते हैं। लेकिन जो ये बी टू सी के ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसके अंदर काफी सारे केसेस में इनवॉइसेस जो है कस्टमर को प्रोवाइड नहीं किए जाते, जिसकी वजह से इनवॉइस का गलत इस्तेमाल जो है वो होता है। अब यहां पर गवर्नमेंट क्या करने वाली है, गवर्नमेंट ये करने वाली है एक स्कीम आने वाली है जिसके अंदर इंसेंटिव दिया जाएगा ऐसे सिटीजन्स को, ऐसे कंज्यूमर्स को जो कि माल परचेज करते हैं या सर्विसेज परचेज करते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है, तो वो जो कंज्यूमर है या जो आपका परचेजर है अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड वालों के ऊपर ये स्कीम नहीं लगेगी क्योंकि उनको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो अब जो खरीदार होगा वो एज अ कंज्यूमर या एज अ सिटीजन आपसे बिल का डिमांड करेगा क्योंकि उस बिल के बेसिस पे गवर्नमेंट उसे इंसेंटिवाइज यानी कि इंसेंटिव देने जा रही है। This would serve the objective of encouraging tax compliant behavior in the business to consumer stage of the transactions by the consumers and business. इससे होगा क्या कि taxpayer जब कोई माल unregistered को माल बेचेगा तो वो जब purchase करेगा bill की demand करेगा तो आपको invoice देना होगा और उस इनवॉइस के बेसिस पे जो बी टू सी ट्रांजैक्शन हुआ है उस कंज्यूमर को इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपका डेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के डेटाबेस में आ जाएगा और आप उस सेल्स को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। जीएसटीएन विथ इट्स पार्टनर फॉर दिस एप्लीकेशन इज डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विच विल इनेबल सिटीजन्स टू रजिस्टर देमसेल्व्स and upload invoices on a user friendly mobile application and portal. इसके लिए एक mobile application बनाया जा रहा है, एक GST portal या फिर एक portal develop किया जा रहा है जिसके अंदर citizens या consumers जो invoices लेंगे वो invoice उस portal पे या उस application में upload किया जाएगा और जैसे ही आपका invoice upload होगा डेटा कैप्चर हो जाएगा गवर्नमेंट के पास। रोबस्ट टेक्नोलॉजी विल अलाउ दिस एप्लीकेशन और पोर्टल टू ऑटोमेटिकली रीड द की डिटेल्स फ्रॉम द प्रिंटेड इनवॉइस। जो ये पोर्टल होगा या एप्लीकेशन होगा उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स दिए गए होंगे कि इन इनवॉइसेस जो अपलोड किए गए इसके ऊपर ये पैरामीटर्स अगर हैं तो आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप एज अ सेलर जब इनवॉइस बनाएंगे तो वो एलिजिबल इनवॉइस होना चाहिए, उसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए, सेलर का इनवॉइस का नंबर लिखा होना चाहिए, अमाउंट पेड कितना है उसका बाइफरकेशन और टैक्स अमाउंट कितना है, ये चार डिटेल्स जो है इनवॉइसेस में होना मैंडेटरी है क्योंकि ये डेटा एप्लीकेशन या पोर्टल में कैप्चर किया जाएगा। एट द एंड ऑफ अ मंथ, अब उसके बाद मंथ एंड होने के बाद फ्यू लकी इनवॉइसेस वुड बी आइडेंटिफाइड बाय अ प्रोसेस ऑफ ड्रॉ ऑफ लॉट्स एंड गिवन रिवार्ड एज एन इंसेंटिव ऑफ ऑब्जर्विंग टैक्स कंप्लायंट बिहेवियर। मंथ एंड होने के बाद
जितने भी इनवॉइसेस वहां अपलोड हुए पोर्टल पे या एप्लीकेशन पे, उसके लिए एक लॉट लगाया जाएगा, ड्रॉ किया जाएगा और उस ड्रॉ के अकॉर्डिंगली आपको दिया जाएगा इनवॉइसेस के ऊपर इंसेंटिव. द ड्रॉ ऑफ लॉट्स विल बी कंडक्टेड बाय अनदर एजेंसी सिंस द ड्रॉ ऑफ लॉट्स वुड बी कंडक्टेड ऑन इंडिविजुअल इनवॉइसेस. एवरी इनवॉइस कुड बी अ पोटेंशियल फ्यूचर रिवॉर्ड एट द टाइम ऑफ अपलोड. यानी कि आप एज अ कंज्यूमर या एज अ सिटीजन जितने भी इनवॉइसेस लेते हैं और उसे अपलोड करते हैं, वो सारे के सारे इनवॉइसेस हो सकता है कभी ना कभी आपको रिवार्ड जो है वो दिलवा दे या इंसेंटिव दिलवा दे. अपलोडिंग मोर इनवॉइसेस इन अ मंथ वुड इंक्रीज अ कंज्यूमर्स चांस ऑफ विनिंग द रिवॉर्ड. तो आप जितने ज्यादा इनवॉइसेस सेलर से लेंगे, उतने इनवॉइसेस को आप अपलोड करेंगे, उतना ही चांस आपके लिए बढ़ जाएगा कि इंसेंटिव आपको मिल जाए. कंसिक्वेंटली सिटीजन्स वुड बी इंसेंटिवाइज्ड टू रिपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन. अब आप देखिए गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, अगर आप सेल डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपका जो कंज्यूमर है वो इंसेंटिव के चक्कर में इनवॉइसेस आपसे हर एक परचेज का डिटरमाइन करेगा और उसे अपलोड करेगा, जिससे आपका डेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा. तो बी टू सी ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है ये गजब का सिस्टम जो है वो आने वाला है, जिसके अंदर आपकी सेल्स रिपोर्टिंग जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगी. द सिस्टम वुड ऑल्सो फैसिलिटेट वेरिफिकेशन ऑफ विनिंग इनवॉइसेस बिफोर डिसबर्सल ऑफ रिवॉर्ड टू इंश्योर दैट ओनली जेन्युइन इनवॉइसेस आर गिवन. अब यहां पर भी गेम हो सकता है कि आप फर्जी इनवॉइसेस लेकर के अपलोड कर दें, तो उस इनवॉइसेस को वेरीफाई करने के लिए भी सिस्टम दिया जाएगा, जिससे ये पता लग सके कि इनवॉइसेस जो हैं वो प्रॉपरली बने हुए हैं, फेक इनवॉइसेस नहीं हैं. दिस स्कीम वुड सर्व मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंसेंटिवाइजिंग, रिवॉर्डिंग कंप्लायंट बिहेवियर बाय द कंज्यूमर्स, एनकरेजिंग टैक्स कंप्लायंट बिजनेस, बूस्टिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड चेकिंग टैक्स इवेजन. तो यहां पर टैक्स की चोरी रुकेगी, इंसेंटिव दिया जा सकेगा, कंप्लायंस बिहेवियर में आसानी हो जाएगी, सुधार आ जाएगा. काफी सारी चीजें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है. मेरा बिल मेरा अधिकार जो है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट लेने जा रही है, जिसके अंदर आपको बी टू सी सेल्स के लिए भी अब तैयार होना होगा कि हमारी रिपोर्टिंग जो है वो ऑटोमेटिकली किसी थर्ड पार्टी पोर्टल पे जा रही है, जिसको आप नहीं छुपा सकते. अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, 30 सितंबर 2022 से पहले टैक्स ऑडिट फाइल करना है. इसके अंदर क्लॉज 44 आपको जनरेट नहीं हो पा रहा, तो आप आज के आज क्लॉज 44 को वन क्लिक में डाउनलोड करने के लिए टूल्स परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके, जिससे आपकी टैक्स ऑडिट फाइलिंग जो है वो 30 सितंबर से पहले हो जाए अलोंग विथ क्लॉज 44. चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं. आशा करते हैं आपको ये इंसेंटिव वाला पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.